Western type frequency meter. This is moving iron type instrument, यानी Western type frequency meter जो है वो एक moving iron type instrument है. It work on the changes in current distribution between two parallel circuit. यानी कि Western type frequency meter जो है वो इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो पैरेलल सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होता है. इसी प्रिंसिपल पे ये वेस्टर्न टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर काम करता है. ऑन वन ऑफ विच इज इंडक्टिव एंड अदर नॉन इंडक्टिव, यानी कि दो जो पैरेलल सर्किट जो यूज होते हैं इस मीटर में, उसमें एक इंडक्टिव सर्किट होता है और दूसरा नॉन इंडक्टिव सर्किट होता है. और उन दोनों सर्किट में जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, और जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है तो उसी प्रिंसिपल पे ये वेस्टर्न टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर काम करता है. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द इम्पीडेंस ऑफ द इंडक्टिव सर्किट चेंजेज विथ द चेंज इन फ्रीक्वेंसी. यानी कि ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंडक्टिव सर्किट का इम्पीडेंस है वो फ्रीक्वेंसी चेंज होने के साथ चेंज होता है, और जब फ्रीक्वेंसी चेंज होने पर जब इम्पीडेंस चेंज हो जाएगा तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाएगा. इसी प्रिंसिपल पे ये वेस्टर्न टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर काम करता है. ये आपका कंस्ट्रक्शन है वेस्टर्न टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर का, जिसमें कि दो फिक्स्ड कॉइल हैं और ये दोनों फिक्स्ड कॉइल दो पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, और ये दोनों पार्ट्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, और ये दोनों जो कॉइल हैं ये एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल पे रखे हुए हैं. इसमें जो कॉइल ए है वो एक इंडक्टेंस के साथ, इंडक्टेंस एल ए के साथ रेजिस्टेंस आर ए के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है, जबकि जो दूसरा कॉइल है बी वन बी टू जिसे कह रहे हैं, वो दोनों कॉइल इंडक्टेंस एल बी के अक्रॉस आर वी रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और ये पूरे कॉम्बिनेशन को सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है. और बीच में एक मूविंग आयरन वेन है जिसमें कि नीडल लगा हुआ है जो कि डिफ्लेक्ट करता है. इट कंसिस्ट्स ऑफ टू फिक्स्ड कॉइल्स, यानी कि वेस्टर्न टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर में दो फिक्स्ड कॉइल्स होते हैं. इच डिवाइडेड इन टू पार्ट्स ए वन ए टू एंड बी वन बी टू, और ये दोनों फिक्स्ड कॉइल दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ए वन ए टू में और बी वन बी टू में. द एक्सिस ऑफ द टू कॉइल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों कॉइल का एक्सिस एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जैसा कि आपने फिगर में भी देखा. एट द सेंटर of the axis a soft iron needle is pivoted which is thin and long, यानी कि इनकी axis के center पे एक soft iron needle pivoted है किलित है, जो कि thin और long है. The needle carries a pointer and damping vane, यानी इस needle के साथ एक पॉइंटर कनेक्टेड है और डैम्पिंग वेन भी कनेक्टेड है जो डैम्पिंग प्रोवाइड करता है, और ये डैम्पिंग वेन को फिगर में शो नहीं किया गया है. देयर इज नो कंट्रोलिंग डिवाइस टू प्रोड्यूस कंट्रोलिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए कोई कंट्रोलिंग डिवाइस इसमें नहीं लगा हुआ है. द कॉइल ए इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन इंडक्टर एल ए, यानी कि जो कॉइल ए है वो एक इंडक्टर एल ए के साथ सीरीज में कनेक्टेड है. अक्रॉस ए नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस आर ए, एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस आर ए के अक्रॉस एक इंडक्टर एल ए के साथ कॉइल ए सीरीज में कनेक्टेड है. द कॉइल बी इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस आर बी, यानी कॉइल बी जो है वो एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस आर बी के साथ सीरीज में कनेक्टेड है. अक्रॉस एन
इंडक्टेंस LV, एक इंडक्टेंस LV के अक्रॉस कॉइल B कनेक्टेड है। द रेजिस्टेंस RA एंड LB आर इन सीरीज विथ अनदर इंडक्टर L, यानी कि रेजिस्टेंस RA और इंडक्टेंस LV ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं विथ एन अनदर इंडक्टर, एक और इंडक्टर है L, उसके साथ ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं एंड द कम्बिनेशन इज अक्रॉस द सप्लाई वोल्टेज, और ये तीनों का कम्बिनेशन सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्टेड है। द मेन पर्पस ऑफ द इंडक्टर L लगाने का जो मेन पर्पस है इज फॉर डैम्पिंग आउट द हार्मोनिक्स इन द वेव फॉर्म ऑफ द करेंट। करेंट के वेव फॉर्म में अगर कोई हार्मोनिक है, डिस्टॉर्शन है, उसको डैम्प करने के लिए वो इंडक्टर L कनेक्ट किया हुआ है। दिस एलिमिनेट्स द एरर्स कॉज्ड ड्यू टू हार्मोनिक्स, और ये इंडक्टर L लगाने से जो हार्मोनिक्स के कारण जो एरर हो सकते थे उसे हटाया जा सकता है। अब हम वेस्टर्न टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर का ऑपरेशन देखते हैं। व्हेन द मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई बोथ द क्वाइल्स कैरी करेंट, जब वेस्टर्न टाइप फ्रिक्वेंसी मीटर को सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो दोनों ही क्वाइल करंट कैरी करते हैं क्योंकि दोनों क्वाइल पैरेलली कनेक्टेड हैं। द टू मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड वाई द टू करंट्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, और दोनों क्वाइल में करंट फ्लो होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये दोनों कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड आपस में राइट एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। दिज फील्ड्स एक्ट अपॉन द सॉफ्ट आयरन नीडल, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड हैं, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे जो सॉफ्ट आयरन नीडल रखा हुआ है उस पे एक्ट करते हैं, कॉजिंग इट्स डिफ्लेक्शन, जो कि नीडल के डिफ्लेक्शन को कॉज करता है, कारण होता है। सो पोजिशन ऑफ द नीडल एंड हेंस द पॉइंटर डिपेंड्स ऑन द करेंट थ्रू द कॉइल ए एंड बी, और इस प्रकार से जो नीडल जो है बीच में उसका डिफ्लेक्शन जो है वो कॉइल ए और कॉइल बी के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। इन प्रैक्टिस द वैल्यूज ऑफ आर ए आर बी एल ए एंड एल बी आर सो चूजन दैट द इक्वल करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, यानी प्रैक्टिकली आर ए आर बी एल ए और एल बी का वैल्यू को इस प्रकार सिलेक्ट किया जाता है ताकि दोनों ही कॉइल्स के थ्रू इक्वल करंट फ्लो हो, एंड नीडल टेक्स द मीन पोजिशन विच इंडिकेट्स द नॉर्मल फ्रिक्वेंसी, और जब दोनों ही कॉइल के थ्रू जब इक्वल करंट फ्लो होंगे उस केस में नीडल मीन पोजिशन पे रहेगा जो कि नॉर्मल फ्रिक्वेंसी को शो करेगा। इफ द फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज एबव द नॉर्मल वैल्यू देन रिएक्टेंस एल ए एंड एल बी इंक्रीजेज, कहने का मतलब है कि जब फ्रिक्वेंसी अगर इंक्रीज हो गई, फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ गई, उस केस में जो रिएक्टेंस है एल ए और एल बी का जो रिएक्टेंस होगा वो इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि फ्रिक्वेंसी पर डिपेंडेंट होते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, व्हाइल नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंसेस आर ए एंड आर बी रिमेंस द सेम, जबकि जो नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है आर ए और आर बी ये दोनों सेम रहेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो फ्रिक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होता है और इंडक्टेंस एल ए और एल बी इनका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंडेंट होगा, इसलिए इनका जो इम्पीडेंस है वो इंक्रीज कर जाएगा फ्रिक्वेंसी पे, फ्रिक्वेंसी के इंक्रीज करने के साथ ही। सो इम्पीडेंस ऑफ द कॉइल ए इंक्रीजेज, और इस प्रकार से कॉइल ए का इम्पीडेंस इंक्रीज करेगा, हेंस द करेंट थ्रू कॉइल ए इज रिड्यूस्ड, और जब कॉइल ए का इम्पीडेंस इंक्रीज करेगा
तो इम्पीडेंस के इंक्रीज करने के कारण अब कॉइल ए के थ्रू करंट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो करंट है वो इम्पीडेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। व्हाइल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर ए रिमेंस सेम, जबकि आर ए के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो सेम रहेगा। व्हाइल द करंट थ्रू कॉइल बी इंक्रीजेज ड्यू टू इट्स पैरेलल कम्बिनेशन विथ कॉइल ए, और चूंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे कॉइल ए का इम्पीडेंस बढ़ गया था, कॉइल ए का इम्पीडेंस बढ़ने के कारण कॉइल ए का करंट, कॉइल ए के थ्रू जो करंट था वो रिड्यूस हो गया था, उसके ठीक अपोजिट जो कॉइल बी है उसमें करंट का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। कॉइल ए में करंट का वैल्यू रिड्यूस हो गया था तो कॉइल बी में करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा ड्यू टू द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द कॉइल ए, चूँकि दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं और एक सर्किट का कॉइल ए का उसका इम्पीडेंस बढ़ गया और इसलिए उसका करंट कम हो गया, तो दूसरे कॉइल के थ्रू वो करंट फ्लो होगा, यानी कि जो सेकंड कॉइल है उसके थ्रू जो करंट का फ्लो है वो इंक्रीज कर जाएगा। दिस मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई द कॉइल बी मोर स्ट्रोंगर, और इस प्रकार से चूँकि कॉइल बी के थ्रू जो करंट है वो इंक्रीज कर चुका है, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड भी है वो कॉइल बी का वो स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। सो द नीडल मूव्स इन सच ए वे दैट इट लाइज मोर नियरली पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कॉइल बी, और इस प्रकार से जो नीडल है वो इस प्रकार से मूव करेगा ताकि वो कॉइल बी के एक्सिस के पैरेलल होना चाहेगा, क्योंकि कॉइल बी का जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर गया करंट इंक्रीज करने के कारण। सो नीडल ट्राइज टू बिकम वर्टिकल एंड पॉइंटर डिफ्लेक्ट्स टू द राइट इंडिकेटिंग हायर फ्रीक्वेंसी, और इस प्रकार से जो नीडल है वो वर्टिकल होना चाहेगा और पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा राइट साइड में, जो कि हायर फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करेगा, और फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर गई थी इसलिए हायर फ्रीक्वेंसी शो करेगा। व्हेन द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, जब फ्रीक्वेंसी अगर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से डिक्रीज करेगा तो उस केस में अपोजिट एक्शन टेक प्लेस एंड पॉइंटर डिफ्लेक्ट्स टू द लेफ्ट, और अभी जो हमने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे जो जो सिचुएशन हुई उसके ठीक अपोजिट होगा जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी तो, और जो पॉइंटर है वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। ये आपका वेस्टर्न टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर का कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।